अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर क्लास किस दिन होती है? मुझे लगा कि हफ्ते को हो गया, मैंने तो होमवर्क किया ही नहीं। अच्छा, आपको क्यों लगा कि हफ्ते को होगी? सर 2 दिन होती है आई थिंक। 2 दिन ही हो रही है, यानी मंगल और जुमेरात। चलिए अच्छा, इंशाल्लाह ख्याल कोई बात रखना। नहीं, कोई हो जाता है, ऐसा हो जाता है। आप लोगों का काम देखते हैं जी, स्वाद की तख्ती। सबसे पहले जो हमारे पास काम आया है वो आया है मिस तस्नीम का जी। जल्दी जल्दी निपटाया है मिस तस्नीम ने। स्वाद बेहतर हुआ है माशाल्लाह, लेकिन स्वाद का साइज छोटा है। ये देखें, स्वाद के दरमियान आपका सिर्फ एक नुक्ता है। अच्छा, यहाँ पर स्वाद ठीक है, जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है। अब शायद तस्वीर ऐसे भेजी है या वाकई ऐसे है, नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ये ऊपर से नीचे आ रहा है। पाफ यहाँ से छोटा हो गया, मीम यहाँ से छोटा हो गया, इस मीम में गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ है, लाम कितना छोटा हो गया, दायरे छोटे हो गए, हिस्सा। मिस तस्कीन क्या कहती है, ये मोटा हो गया। तो शायद पिक्चर ने ठीक से ली, मैंने प्रैक्टिस अच्छा सही। तो काफी की थी मैंने। मैंने कहा ना बेहतरी आई है, स्वाद लग रहा है कि स्वाद है और सुलुस का स्वाद है। बता, बाद वाले हरूफ कुछ छोटे हो गए, जरा सतर बनाकर लाइन लगाकर उसके मुताबिक जरा लिखें लफ्जों को, उस्ताद शौकी की तरह एक दूसरे से जोड़ कर लिखें, तो फिर आपको ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, मैं आपको अगेन सेंड करूंगी। जी, मश कीजिएगा और इसको पुख्ता कीजिएगा, क्योंकि स्वाद बहुत अहम है। अच्छा जी, मिस मदी, हाँ जबरदस्त, बस ये ऊंचा चला गया बहुत ज्यादा, ये पतला हो गया, ये पतला हो गया। स्वाद बेहतर है आपका, उसके बाद वाले हरूफ पे मेहनत करनी, पतले पतले हो गए, दायरा बहुत बड़ा, यहाँ कुछ बेहतर है, यहाँ स्वाद छोटा है, नाम अच्छा है, स्वाद अच्छा है, आ भी अच्छा है, वाव का नीचे का हिस्सा देखिए, ये बहुत अच्छा है। तो जबरदस्त, अच्छा काम है माशाल्लाह आपका, जबरदस्त। अच्छा जी, ये भी आपको काम है। अरिफ थोड़ा सा लंबा हो गया, इसमें गहराई कम हुए, ये हिस्सा देखें, जीम छोटा है, ताल बड़ा है, स्वाद के मसले थोड़े हैं, बाद वाले हरूफ के मसाइल ज्यादा, दायरे प्रॉपर नहीं है, दायरों में फ्लो नहीं है, फा बड़ा हो गया, आइन अंदर से ज्यादा खुल गया, ये कुछ बेहतर है, ये बड़ा हो गया, इसमें नोक निकल आई यहाँ पे, बेहतर है। तो इसे देखिएगा, इसके साथ साथ। अच्छा जी, नुआज का काम है, नुआज ये अच्छा लिखा है, तस्वीर थोड़ी सीधी भेजा करें, आ यहाँ फिर सीधा आ रहा है, ये बहुत बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। नीम थोड़ा छोटा हो गया, ये अच्छा है, इसको बेहतर करें, नून का ये हिस्सा ठीक करें, थोड़ा नीचे गिरेगा, ये बहुत अच्छे बनाए हैं, नीम छोटा हो गया, यहाँ अच्छा है, ये अच्छा है, इसको देखें तिरछा चला गया, इस तरफ जा रहा है, ये सीधा होना है, ये ज्यादा यूं कर्व हो गया इसमें, ये अच्छा है, इसको जोड़ बेहतर करें,
आंख को थोड़ा सा ऊपर से और गोलाई दें, आंख का थोड़ा सा बड़ा करें इसको, ये बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अहसंत, जबरदस्त। माशाल्लाह, मजीद आप जरा और बारीक बीनी से देखें और लिखें, आपको ही फायदा होगा। अच्छा अच्छा जी, तो आपने स्वाद को फिर बना के छोड़ा है, आपका जो बेहतरीन स्वाद है ना वो ये है। सलाम के साथ। बेहतरीन बेहतरीन, यहाँ थोड़े से ना ये इधर चले गया, ये ज्यादा इधर चला गया तो ये नंबर ऐसा है या नहीं, ये ज्यादा चला गया तो ये ज्यादा नंबर, इसमें आप ऐसे नीचे आएंगे ना तो ये अच्छा लगेगा। इस चीज पे गौर कीजिएगा कि ये ज्यादा यूं लंबा ना हो, इनका ये हिस्सा भी आपको देखना है, बाकी आपके हरूफ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत जबरदस्त है। थोड़े स्वाद बड़े हो गए थे, ये साइज बहुत अच्छा है, स्वाद लाम अलिफ का सीधा सीधा हो गया। ठीक है, बस उसी को कॉपी करूंगी बाकी जगह इंशाल्लाह। ठीक है, जबरदस्त माशाल्लाह, इसमें आपको मिलेगा मबरूक। क्योंकि आप कामयाब हुए साल। सर एंड में क्या खराबी जरा दोबारा बता दें। मैंने कहा क्या क्या कह रहा था मैं, किस हवाले से? एंड में कुछ कहा था मुझे, मेरे से मिस हो गया। नून का, नून का ये दायरा सर एंड पे भी आपने सर्कल किया है, नून के दायरे का भी मुझे नहीं पता चला। नून का दायरा थोड़ा सा बड़ा करना है, बिल्कुल गोल सा हो रहा है, और ऐन का ये ऊपर से घुमाना भी है, और ये हिस्सा अभी उस पे काम करना है, बहुत ज्यादा नोक निकल के इधर आ गई, ये हिस्सा यानी चौड़ा हो गया ये हिस्सा। हाँ जी सर, टॉप मेरा ख्याल फ्लैट भी है, थोड़ा कर्व आना चाहिए। करवाना चाहिए इसको। ठीक, थैंक यू सर, बहुत अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, बहुत खुशी हो रही है, मिस्टर शाजी का काम देखा अच्छा सा, और माज भाई का है, इसी तरह से आगे मिस सबा, आज मिस सबा ने स्वाद से अपना नाम कलम से नहीं लिखा, ये सब मोटा है, स्वाद अच्छे हैं, थोड़े से ऊपर जा रहे हैं, ऐसे इनके दंदाने खुल गए हैं, यहाँ कलम पतला हो गया है, यहाँ फासला कम है, यहाँ बहुत ही कम है, इसको ऐसे नहीं जोड़ना, ऐसे नहीं जोड़ना, आप सीधा ऊपर से शोशा लेके आ गई हैं और आपने जोड़ दिया, थोड़ा सा घुमाव होता है इसमें, मोटे हो गए हैं, सीधा सा हो गया है, गोलाई नहीं आई, यहाँ पे नून बहुत छोटा हो गया है, आपके हरूफ अच्छे हैं, या बहुत नीचे चले गए, ऐसे इससे को थोड़ा सीधा करें फिर या बनाए, या आपको थोड़ा सा नीचे लेके आए, फासला रखे स्वाद से, गलतियां को सामने लू मैं सबा, क्या कहते हैं आप? इन हरूफ पे मेहनत कीजिएगा, स्क्रीन फायदा ले लीजिएगा रिकॉर्डिंग से। मिस साइमा, आपको भी सुलुस में नाम लिखना है, तो सैयद में सीन और दाल बनाया आपने, सैयद में एक शोशा कम, ठीक है, स्वाद अच्छा हो गया, जिनको थोड़ा सा आके लाए
फिर दायरा, बहुत ऊंचा चला जाता है, नीचे नहीं आता। ये बहुत खूबसूरत बनाया आपने, स्वाद अच्छे हो गए हैं। तो थोड़ा छोटा है, इन पे गौर करना है। पा कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ये ज्यादा ऊंचा चला गया, ज्यादा ऊंचा चला गया, इसको थोड़ा नीचे लाना है। जैसे ये लेके आए, इसको दायरा ठीक करें, बेहतर है माशाल्लाह। ये आपका बड़ा हो गया, ये बहुत अच्छी, ये अच्छी बात है कि आप लोगों को खुद इस चीज का अंदाजा है कि क्या गलती है, क्या कमी है, क्या ठीक नहीं बना। तो इस चीज का अंदाजा होना ये काफी है आप लोगों के। मजीद मुताला जारी रखें, मश जारी रखें, तो उससे राज खुलते हैं। जैसे कि माशाल्लाह शाजिया की स्टडी है और मश्क भी है, तो इस वजह से उनके काम में भी काफी इम्प्रूवमेंट है। आप लोग भी जारी रखेंगे, चलते रहेंगे, तो इंशाल्लाह जब हम हा की तख्ती मुकम्मल कर लेंगे तो आप देखेंगे उसके बाद अच्छा सुलस लिखने वाला में शुरू हो गया। जैसे कि मिस नाइला देखें कि इनका स्वाद काफी अच्छा हो गया, काफी मेहनत की है। मिस नाइला क्या कहती हैं आप? अब कुछ बेहतरी नजर आई होगी आपको अपने काम में, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपके काम में इम्प्रूवमेंट हो गई। ऐसा है या नहीं मिस शाजिया, क्या कहती हैं आप? जी सर, बहुत अच्छा लिखा है। मतलब हाथ में वो ना स्ट्रेंथ आई है। जी जी माशाल्लाह, जो छोटी मोटी चीजें हैं वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ कवर हो जाएंगे, बाकी बहुत अच्छा है। जैसे ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहा है, इन जगहों को देखें, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये बहुत मुतासर है, इसको देखिएगा, लोगों को थोड़ा सा बड़ा करें, वहाँ का दायरा थोड़ा छोटा करें, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त। भाई आपको भी मबरूक मिलता है आज, मिस यमुना देख रहे हैं कि मुझे भी मबरूक मिलेगा नहीं मिलेगा। सर मैं तो अभी शर्मिंदा हूँ, मैं सिर्फ चुप करके बैठी हुई हूँ। अच्छा जी, मिस मुफीशा का काम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कलम आपका थोड़ा सा शार्प नहीं है, लफ्जों में गोलाइयां हैं, शार्पनेस नहीं आ रही स्ट्रोक्स में। अपना कलम अच्छा कीजिए, स्वाद अच्छे बनाए हैं माशाल्लाह, थोड़े से कहीं कहीं ऊंचे हो गए। जैसे ये बहुत खूबसूरत है, थोड़ा तो बड़ा हो गया ये वाला, ये तो बहुत बड़ा हो गया। इसको देखें, ओवरऑल माशाल्लाह काम अच्छा है, ये थोड़ा बड़ा हो गया। इसको देखें, इसको देखें सर, ये थोड़ा लंबा हो गया। जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह, अहसन, बहुत अच्छे थे आज। आप लोगों ने वाकई स्वाद को निभाने की कोशिश की है, यहाँ भी देखेंगे थोड़ा बड़ा हो गया, बाकी बेहतर है, इसको बेहतर कीजिए, यूं को थोड़ा सा बेहतर कीजिए, बहुत अच्छे हैं। ये थोड़ा ज्यादा झूम गया, और अपने नाम में आपने एक शोशा एक्स्ट्रा डाल दिया। जी स्वाद आया है ना, स्वाद आया आज मुफीशा में, आपने पांच शोशे डाल दिए भाई,
जबरदस्त कॉम्पोजिशन हो गया आपके। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, विस्मा का काम देखना है जी। विस्मा ने आज आइन का दायरा मिटाया हुआ भी है, लेकिन स्वाद की तकलीफ में मजा आया। अच्छा बहुत अच्छे भाई, बिस्मा छोटी छोटी चीजें हैं वो वक्त के साथ बेहतर होंगी। लफ्ज जैसे ना अब जोड़ने के साथ साथ थोड़े नीचे आ जाते हैं, ये थोड़े से नीचे आके ये थोड़ा सा नीचे होते हैं, ठीक है ये भी। अच्छा हाँ थोड़ा खुल गया, ये थोड़ा छोटा हो गया, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये चीजें वक्त के साथ साथ बेहतर होगी। मबरूक की मुस्तहिक हैं आप भी आज। वाह का दायरा थोड़ा छोटा करो, ये जगह थोड़ी सी पतली हो गई। बहुत अच्छा भाई ये दायरा बड़ा अच्छा है, अल्लाह मजीद वबारक। इसके बाद आते हैं साइशा। अच्छा जी माशाल्लाह स्वाद का मजा आ रहा है, स्वाद अच्छे हो गए, स्वाद अच्छे हैं। स्वाद के बाद वाले हरूफ का मेहनत जैसे लंबे लंबे हो गए, सेम गहरे नहीं हुए, लफ्ज थोड़े छोटे भी हो गए कहीं थे, थोड़ा सा और उठाना है, दायरा ठीक करे, नींद ठीक करे, स्वाद ठीक करे, जोड़ ठीक करे, ये ऊंचा हो गया। माशाल्लाह अहसंत, बहुत जबरदस्त, जारी रखिएगा इसको। जो आपकी कमजोरी है उसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाए। जी तुम सीएम हो, स्वाद बड़े बड़े हैं, स्वाद के दरमियान गैप ज्यादा लग रहा है, डेढ़ नुक्ता बनाया है, लेकिन ये गोल गोल हो रहे हैं, ये वाला हिस्सा खास तौर पर गोल गोल हो रहा है। कितने एमएम का कलम यूज किया आपने? तो ये 4 mm का कलम था, छोटा रखे जी सर। फिर नीचे वो उस दिन मेरे पास वो कलम बना हुआ नहीं था, फिर मैंने कलम बनाया और फिर बाद में आज फिर ये किया नीचे वाला। ठीक है, इसका फ्लो बड़ा अच्छा है, बाकी इसलिए मैं नहीं शेयर कर रही थी काम, मैंने कहा कभी करूंगी फिर शेयर करूंगी। अच्छा करने के लिए मुझे थोड़ा सा, मेरे उस्ताद कहते हैं कि यार डीमोटिवेट भी करना चाहिए ताकि थोड़ा सा बंदे को पता चले ना। आज वो मैं जब काम ऐसा करता था ना तो उस्ताद जिस दिन गलतियां निकाल देते ज्यादा, मैं घर आके रोता था और वैसे बिस्तर में घुस के रोता था कि मेरी कितनी गलतियां आई हैं आज, कितनी गलतियां, कितना खराब लिखा है मैंने, फिर मैं फिर जान मारता था। इसीलिए सर मैं शर्मिंदगी से आज शेयर नहीं कर रही थी। नहीं नहीं अभी आपने और अच्छा कर लिया, अब आपने भी रोना है, अल्लाह से मांगना है और ठीक है सर। सर आप दुआ करें, बस दुआ में याद रखें, कामयाब करें सबको, कामयाब करें। और शहला आपने भी अच्छे करने की कोशिश किया माशाल्लाह, थोड़े से जैसे ये हिस्सा लंबा हो गया, थोड़ा सा गोल हो गया, थोड़ा ऊंचा हो गया, ये बाद वाला हिस्सा स्वाद में अलबत्ता अभी आपने मेहनत करनी है। हाँ ये हिस्सा कुछ अच्छा है, बस आपका पहला हिस्सा छोटा हो जाता है, ये हिस्सा बड़ा हो जाता है, इसको इसको बड़ा करे, इसको इसको उठाकर छोटा करे, फिर ये ले चले।
ठीक है, ये आपकी बुनियादी गलती है जिसको आपने पकड़ना है और जिस पे काम करना है। बाकी रिथम के साथ आपने लिखा है तो ये बहुत अच्छा किया, जबरदस्त। ये लाइन आपने ड्रॉ की है ना, तो आपको फिर ऊपर से नहीं शुरू करना चाहिए था, आपको यहाँ से शुरू करना चाहिए। ओके, इस लाइन ये दायरे नीचे आ जाए, बाकी चीजें लाइन के ऊपर आ जाए, इस चीज का ख्याल रखिए। जैसे आपने यहाँ से शुरू किया ना, इसी तरह नीचे भी शुरू होंगे लाइन। जबरदस्त जी, बहुत अच्छे, मजीद मेहनत जारी रखिएगा और किसी का काम रहता नहीं गया। अब देखें ये जो थोड़ी सी शार्पनेस खत्म हो गई ना कलम की, गोल गोल हो रहा है यहाँ से, थोड़ा सा खराब भी हो गया, तो पहले तो मैं इसको जो इसके थोड़ी सी शार्पनेस मुतासर है ये चीज, ये जो ये था ना, ये चीज इसको देखिए, ये किन के काम में वो जो नोके नहीं बन रही, नोक बन रही थी और ये चीज नहीं बन रही थी, इस चीज को देखिए। गहराई एक होता होना चाहिए, ये जो आइन है ना, आइन आप लोग बनाते हैं किसी भी हद के साथ, तो पहले ही यूं ले जाए,
यानी आप अगर आप ऐसे करते हैं यूं और फिर यूं, तो ये फिर इसको आपको यूं मिलाने की जरूरत पड़ती है, तो ये बड़ा भी हो जाता है। इसको पहले ही खिसा ले जाए, बस फिर यहाँ करीब रखें ऊपर से कर्व के साथ। इसको ये अब हल्की से चोच, मीम जब बनाते हैं उसके बाद ये हिस्सा जो आखिरी हिस्सा है ये मुतासर यहाँ तक पहुंचे, फिर ये किया, ये निकाला, अब इसको इससे मिला दिया थोड़ी सी गोलाई के साथ में। इसी तरह जब ये वाला नीम बनाते हैं इसको ऊपर ले जाए, यहां से लेके आए और इसको नीचे लाने के बाद फ्लॉ बना दे, ये दोनों पे जी। आज हमने जो आपको बताना है ना बड़ी बड़ी खास बातें, आइन की तख्ती जब आएगी तो फिर साथ भूल जाएंगे आप लोग। ओहो अभी तो तौ की तख्ती बाकी है, मैं समझा आज आइन की तख्ती करनी है तो मैंने आइन का मुताला किया आज, लेकिन अभी तो तौ की तख्ती बाकी है, तो चलें तौ की तख्ती करते हैं। तो में और सौ में फर्क क्या है? तो में पहला जो हिस्सा होता है वो सौ की तरह ही बनता है, ये जो हिस्सा है दूसरा हिस्सा क्योंकि ये आपसे छोटा होगा, यानी हम सौ में दो नुक्ते आते हैं और इसमें हम एक नुक्ता आते हैं। ये आपका तीन नुक्ते का ही मदस्तूर रहता है। अब ऊपर से नीचे आना है जरा, स्वाद में हम ऐसे आ जाते हैं नुक्ते, तो में हमें ऊपर से आना, तो नुक्ता फंस जाए यहाँ पर भी। अब ये जो तौ का ये हिस्सा है तौ के बाद अगर कोई खाली जगह है ना, तौ के बाद यहाँ कोई हर्फ नहीं है जैसे मीम वगैरह या फिर काफ वगैरह, यहाँ खाली जगह है जैसे कि तौ के बाद ये ऊपर जा रहा है, तो उस पे हम ये करते हैं कि तो की चोंच भी निकाल सकते हैं हम इस। देखिए ये तो में ज्यादा अच्छी नहीं लगती,
ये असाजा बनाते नहीं, उस्ताद शाफी ने कहीं कहीं बना रखे लेकिन ये ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। इसकी जो डंडी है, कौ का जो अलीफ है, तो ये सफेदी देख रहे हैं आप, ये सफेदी यहाँ खत्म हो रही है ना, यहाँ पे, यहाँ पे इसकी सीध में आके अलीफ खत्म होगा। शुरू थोड़ा इससे पहले होगा, यहाँ से आके घूमता घूमता आके खत्म होगा। ये आप तो कब बनाएंगे कंपोजिशन में, फिर जो सुरज जली में हम जाते हैं ना, तो फिर इससे लंबा भी कर सकते हैं। तो फिर मैं आपने 5 नुक्तों का बनाए, यहाँ इस जोड़ के बाद आपका ये एक नुक्ता, इस जोड़ के बाद एक नुक्ता। अब ये तो है और आपने पूरी इसी तरह से करनी है। तो में ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं है, अलबत्ता तो के बाद जब नीचे जाने वाले हरूफ आते हैं, जैसे तो जीम हो गया, या तो के बाद जब कशिश आ जाती है, तो के नीचे थोड़ा सा स्पेस ज्यादा हो जाता। इसके अलावा तो बदस्तूर कायम रहता है। तो हमारे पास ज्यादा है तो की तख्ती, मैं तो पूरी नहीं लिखूंगा आज, जहां तक हो गई मैं लिखूंगा, लेकिन तो जहां तक हो सकेगा मैं तौर की तख्ती लिखूंगा, लेकिन आप लोगों के लिए अगले हफ्ते पर तौर की पूरी तख्ती लिख के ला, ये सबक जो तख्ती आसान होगी हम आप पूरी लिखवाएंगे आपसे, क्योंकि हमारी आज 22nd क्लास है और हम पीछे जा रहे हैं बच्चे। वो अलग बात है कि अब ठीक जा रहे हैं आप लोग, लेकिन मैयार के साथ साथ जरा मिकदार भी देखनी है। हम कोशिश करेंगे कि 4 महीने में तो हमारा पूरा नहीं हो सकता, 5 महीने में तो कम से कम हमारा कोर्स पूरा हो। बाद में उठा देंगे यहाँ से, देखेंगे तो ये मुक्त हो जाते हैं। घूम जाता है अब जरा जीम को देखिए, जीम थोड़ा सा नीचे है,
ये देखें, अगर हम जीम बनाएंगे ना तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये दो नुकते नीचे आएगा और यहाँ से आगे ये दो नुकते आगे जा रहे हैं इस जोड़ से। ये चीजें याद भी रखनी है मश के साथ साथ, ताकि आगे जब कंपोजिशन में हम काम करेंगे तो आपको याद। अच्छा, इसमें जैसे कि मैंने बताया था दो तरीके होते हैं, नोक ये बनी और पीछे कलम रखा इसके ऊपर। पांच नुक्ते को बनाया, इससे एक नुक्ता पैदा होकर खत्म हो जाएगा, बाकी जीम उसी तरह से है। अब यहाँ प्रॉपर पूरा यहाँ नीचे ज्यादा गिरा है, वैसे हम यूं जाते हैं ना तो आगे लफ्स मिल जाता है यहाँ नीचे। तो ये तो जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये स्ट्रेट है या स्लाइटली कर्व्ड है? नहीं, ये यहाँ से हल्का सा बिल्कुल हल्का सा कर्व्ड है, बिल्कुल सीधा ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं होता, क्योंकि तो के इस हिस्से में कम होता है, सुलुस में ये चीज नहीं होती कि बिल्कुल ऐसा सीधी चीज बने। चाहे देखा होगा आपने कि आप जब दाल बनाते हैं तो दाल में भी हमारा ये वाला स्ट्रोक हमें सीधा लग रहा होता है, तो ये ऊपर से सीधा होता है, नीचे से जरा सा कर्व, देखा होगा बल्कि लिखा भी है। और ये थोड़ा सा ज्यादा स्टीप है ना बाकी तो के निस्बत इसका एंगल, ऐसे जितने भी हमारे नीचे जाने वाले हैं ना, चाहे चौथा के बाद नीचे जाने वाले हैं या तो के बाद कशीदा है जैसे कि शीन है, तो उसमें फिर हमारे पास इसी किस्म का तो उसमें अगर मैं आपको ये मेंशन करूं तो जैसे तो शीन हो गया और इसके अलावा तो नीम हो गया, तौमीम अगर हम कशीदा करते हैं तो भी वो ऐसे जाहिर सी बात है कशीदा है तो वो ज्यादा गिरेगा, इसी तरह से तौमीम ऐसे ही बन रहा है तो भी, तौमीम ऐसे बन रहा है तो भी वो ऐसे वाला तो खैर सीधा है तो उसके बाद बनता है, लेकिन जो नीचे आता है ना फौरन ऐसे करके ये वाला, और इसी तरह से तौ के बाद हम लिखते हैं या तो वो इस तरफ आता है, खैर तो कशीदा और डायरेक्ट नीचे जाने उसमें फर्क है, और तो में कुछ जगहों पर जैसे कि तो के बाद कुछ मखसूस अल्फाज हैं उसमें हमें ये करना पड़ता है कि नीचे वाले हिस्से को बजाय इस तरह सीधा लाने के हमें घुमाना पड़ता है। जैसे कि अगर आप देखें तो आ में तो रा में ये बनाने के बाद ये चीज आई, ये चीज यहां तक आई, उसके बाद ये अब ये चीज यू है,
इस चीज को आपने देखना है फॉर्म में, यानी आपने तख्ती का बगौर मुताला करके फिर लिख के। सर एक क्वेश्चन है, तो फिर वो जो पहले आपने तो लिखा है उसमें उसकी ऊंचाई फिर ज्यादा होगी, क्योंकि वो स्टीप ज्यादा मुझे लग रहा है बनिस्बत इसके। कितने नकात हम ऊपर लेके जाएंगे कि सेम ही है? नहीं सेम है वो, उसका मसला नहीं है। यहाँ थोड़ा बहुत फर्क होता है कि कुछ हरूफ जैसे यहाँ अब इस फॉर्म में ये थोड़ा सा ऐसे ये आ रहा है, यानी कोई 25 का एंगल आ रहा है, इसमें थोड़ा सा एंगल बढ़ जाता है, 30 का आ जाता है, इसमें एंगल और ज्यादा ऐसे हो जाता है, तकरीबन कोई 35 का आ जाता है, तो ये थोड़ा सा एंगल का फर्क होता है, बाकी तौर का ये हिस्सा सेम। यहाँ पर फर्क है तौर में घूम गया, फौजी में नीचे आ गया, वारिफ में थोड़ा सा इस तरफ चला गया, सीधा चला गया, ये चीज। और कोई हद जो में तौर के साथ लिखे पूछना चाहिए, बास तख्तियों में जब आप जली में जाएंगे तो जली कंपोजिशन में ऐसा होता है कि जैसे कि कोई हमारे पास शेप है, तो किसी शेप में तो जैसे यहाँ आ रहा है कोई कोई भी लफ्ज है, तो उसमें हमारे पास यहाँ जगह कम है, तो हम ये भी करते हैं कि उसको तो को इस तरह से बना देते हैं, यानी तो के ऊपर की जो डंडी है ना वो ऐसे। ऐसे भी मिलेगी लंबी छोटी, यहां से भी आ सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो ये भी आपको कंपोजिशन में मिलेगी। उनका होमवर्क क्या है, तो पूरी तख्ती बनाओ, तो ये जो या का जॉइनिंग स्ट्रोक है जैसे जो वाओ की शेप में से भी लेते हैं, जो इसकी चौड़ाई कितनी है? 2 से थोड़ी ज्यादा है ना ये? ये जी यही
नेक्स्ट फ्लोर है भाई आज। तो ये है खत्ताती, थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया। ठीक है जी, कर लेंगे इंशाल्लाह। उस्ताद शौकी हम देखते कोशिश करें भाई, कोशिश करें जी। सर आपने जो पीडीएफ शेयर की है ये इसकी पूरी वो इन्हीं की है ना, उस्ताद शौकी की बुक की है ना? जी जी एराब लगाना, कंपोजिशन बनाना, सीधी कंपोजिशन बनाना, सर्कल में, ओवल में, रेक्टेंगल में, सारी चीजें सिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है जी, बस आप हिम्मत करें फिर काम करेंगे इंशाल्लाह। पोजीशन देख लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट। जी जी और बे का भी जॉइंट बता दीजिए मुझे, बुक में बहुत स्ट्रेट सा लग रहा है, कर्व उसका थोड़ा फर्क है अलिफ से, जरा प्लीज ये बता दें। मतलब कौन सा? सेकंड सेकंड जो जॉइंट है ना, तो और अलिफ का दूसरा वाला, तो और बा का। तो और बा का जिस तरह बा में बनता है, ये देखो, ये जॉइंट हो रहा है ना, वो वाली शेप जो है ना बहुत स्ट्रेटिश है एज कंपेयर टू तो अलिफ। हाँ, बा में तो ये होता है ना कि तो अलिफ में आपको ये गोल हो जाता है, और बा में ये ऐसे जाके सीधा जाके पहले ऊपर उठते हैं, फिर जिस तरह हमने बा बा में किया था कि बा अलिफ में हम ऐसे ऊपर गए थे गोल करके, और बा बा में
वो पहले यूं गए फिर सीधा उठाया और फिर ये, तो यही चीज तो बाल द सेम से ये वाली से, ठीक है जी सर। और किसी का कोई सवाल? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।